यूट्यूबर्स को ये बात समझ लेनी चाहिए कि आपकी हाइप यूज करके ना आपको ही निकाला जा रहा है। UK07 रेडर का ब्रदर कलमिंग काफी ज्यादा गुस्सा है बिग बॉस के ऊपर, वो क्यों आप देखिए। तो ना बस एक दो चीज का क्लियर आंसर चाहिए था कि अगर जो अनुराग ने भी लाइव में बोला है, वो क्लिप ना मैं इसके बाद लगा दूं, अनुराग ने भी सेम चीज बोली है कि अगर आपको ऐसे ही इविक्शन करना था तो आप लोगों ने क्यों वोटिंग लाइन खोली। आप लोग समझ रहे हो कि लाइक जब आपको इसी बेसिस पे बाहर निकालना था तो आपने क्यों वोटिंग लाइन खोली इसके बावजूद। नॉट ओनली दिस, चलो ठीक है आपने बेब को बनाने के लिए कर दिया, आपकी गलती थी, आपके मेकर से थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि वोटिंग लाइन बाहर खुली, अनुराग टॉप पे चल रहा है। उसके बाद आप ईशा को ये टास्क देते हैं कि भाई लेट्स गो, आप सबसे ज्यादा रूल ब्रेक के हिसाब से बंदों को निकालिए, उस पर भी कोई गलती नहीं है। रूल ब्रेक ने आपने दिया, आप जान मुझ के अनुराग के 10-11 रूल लिख रखे हैं, सोता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है, और आप किसी का इतना लिखा हुआ था इंग्लिश में बात करी। तो भाई साहब इस सीजन में हमेशा इंग्लिश पे बात हुई है, आप लोगों ने आज तक नहीं टोका है ना। वो कहते हैं ना जिसमें महादेव का हाथ है उसे तो कोई नहीं हरा सकता। जब ईशा ने ऐश्वर्या का नाम लिया तो वापस से आप कहते हैं आपका ये फाइनल डिसीजन है, आप सोच लीजिए आपका इस बेसिस पे, फिर आप उसे थोड़ा सा डीमोटिवेट लेके बाहर जाके कि भाई ना 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 अब तुम यहां से चले जाओ, आप लोगों ने तो ये कर दिया। और बाहर आके भी घर वाले उस पर चढ़ रहे थे, बट इफ ईशा के टीम से कोई भी देख रहा है या ईशा की फैमिली से कोई भी देख रहा है, रिस्पेक्ट फॉर दैट गर्ल इन हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस जिसने दम रखा बिग बॉस के अगेंस्ट जाने का। मैं यही बोलूंगा यार, ऊपर वाले की कृपा थी, लक्ष्मी के रूप में ना वो लड़की आई उस दिन और उसने बाबू है को बचा लिया। सबको दिख रहा था कि वो पूरा जो नॉमिनेशन टास्क था ना अनुराग को भी करने के लिए बनाया गया था। आप वोटिंग लाइन क्यों खोली, जो वोट पब्लिक या एक तरीके से ना यहाँ पे पब्लिक को भी मेरे को लगता है घुमाया ही जा रहा था। पब्लिक अपनी 3-4 दिन रातें काली करके वोट करती है किसी एक बंदे को और आप कहते हैं वोटिंग लाइन से नहीं हो पा रहा है, तो फिर वो क्यों करा मेरे को समझ ही नहीं आया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हाइप यूज करी जा रही थी एंड अब जब सीजन आधा निकल गया, इस बार तो एक्सटेंड भी नहीं हो रहा है, तो सोचा बीच में ही निकाल के इसको खत्म कर देते हैं। क्यों तो फिर बुलाया क्यों था।